हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल साइंस के न्यूक्लियर फिजन के टॉपिक से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये दिसंबर 2014 में पूछा गया था। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलते हैं न्यूमेरिकल। और If the fission of an atom of uranium-235 produces 200 mega electron volt of energy, how much energy will be produced by a 1 metric ton of uranium? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए थे 4.1 10 to power 7। दोस्तों, इसमें 8.2 into 10 to power 7 ऑप्शन दिया था, जो कि एंटीनेस क्वेश्चन को ड्रॉप किया था और इसमें सबको मार्क्स दिए थे 2014 में। थर्ड ऑप्शन था 1.23 इनटू 10 टू पावर 7 मिली जो सॉरी मेगा जूल, एंड फोर्थ है 2.05 इनटू 10 टू पावर 7 मेगा जूल। तो दोस्तों, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था कि हमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी 1 मेट्रिक टन ऑफ यूरेनियम से। तो दोस्तों, आप देखिए, आपको 1 मेट्रिक टन से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, आपको गिवन देखिए, आपको हमारा गिवन क्या था क्वेश्चन में, वन एटम ऑफ यूरेनियम 235 प्रोड्यूसेस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों, हमें ये गिवन है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, आपका क्या गिवन है। तो बेसिकली आपको एटम और मेट्रिक टन, यानी कि इसमें रिलेशन ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे, हम बैक जाएंगे, हम मेट्रिक टन को पहले जाएंगे ग्राम में, ग्राम से हम जाएंगे मोल में, मोल से हम जाएंगे एटम में। ये हमारी सीक्वेंस है, ठीक है दोस्तों। तो अब दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं आपको, हम डायरेक्ट टन से केजी, केजी टू ग्राम, ग्राम टू मोल, मोल टू इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटी यूनिट पे जाएंगे। तो हम यानी कि इनके टॉप, यानी कि जब हमारा वो है टन से लेके हम आ रहे हैं एटम तक, तो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। तो हमारा कन्वर्जन करने के लिए कि टन से कन्वर्ट करने के लिए हमें एटम तक क्या कन्वर्जन चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का बिना फॉर्मूले के, यानी यूनिटरी मेथड के, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, हमने 1 मेट्रिक टन को कन्वर्ट कर लिया ग्राम। तो हमने क्या कहा था, टन को केजी, केजी को ग्राम, अब इस ग्राम से मोल, एंड देन मोल से इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम में आना है आपको। तो हमने 1 मेट्रिक टन को हम कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, तो 10 टू पावर 3 केजी होता है और 10 टू पावर 6 ग्राम होता है। और दोस्तों, आपको क्या रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हम कन्वर्ट करेंगे, हमारी यूनिट किसने, हमारे जो ऑप्शन था उसमें यूनिट थी जूल में। तो हमें जो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल में, तो उसके लिए हमें जो कन्वर्जन फैक्टर है वो हमारा है 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल। तो ऑलरेडी हमें डिस्कस कर चुके हैं गिवन क्या है, जो हमें गिवन है उसे हमने कन्वर्ट कर लिया जूल में। तो देखिए, यहाँ पे 10⁻¹⁹ आया, ये आया क्योंकि हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो मेगा होता है 10⁻⁶, 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 10⁻¹⁹, तो हमारा 10⁻³⁹ होता है, ठीक है। 10⁻⁶ + 6 इंटू 10⁻³⁹, ठीक है। ये हमारा आपका ये है 10⁻¹⁹, तो ये आपका हो गया -19, तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻³⁹ हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं यूनिटरी मेथड। तो आपको क्या क्या इसमें पता होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो जैसे आप दोस्तों जानते हो कि 1 मोल ऑफ यूरेनियम 235 इज इक्वल टू 235 ग्राम, ठीक है। तो हमारा जो कितना, हमारा जो 1 टन को हमने कन्वर्ट किया ग्राम में, तो ग्राम से हम जाएंगे मोल में, तो 10 टू पावर 6 ग्राम ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 235 इनटू 10 टू पावर 6 मोल, ठीक है। दोस्तों, हम आगे टन, टन से केजी, केजी से हम ग्राम, तो इतने ग्राम में इतने मोल है, ठीक है। तो हम इस मोल को कन्वर्ट करेंगे हम एटम में, यानी कि इतने ग्राम में कितने एटम है हमारे। तो 1 मोल ऑफ यूरेनियम 235 हमारा कितने एटम कंटेन करता है, 6.023 × 10⁻²³ एटम्स। तो दोस्तों, आपको दो चीज याद रखनी है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, ये आपको पता ही होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको 1 मोल कन्वर्ट कर दिया एटम में, ठीक है। और जो हमारे हैं
वन मेट्रिक टन में यानी कि कितने मोल हैं वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे, तो हमें क्या निकालना है इतने मोल में कितने एटम होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/235 × 10^6 × 6.02 × 10^8 इतने एटम होगी। अब हमारा क्या है वन एटम से जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हमें ऑलरेडी गिवन है 200 जो हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दी जूल में ये है। तो फिर हमारे नंबर ऑफ एटम इतने एटम से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो बेसिकली बहुत ही यूनिटी मेथड है, आपको बेसिक चीजें पता होंगी यूनिटी मेथड की तो आप इसे इजीली सॉल्व करेंगे। तो हम इसे 1 × क्या सॉल्व नहीं किया लास्ट में सॉल्व करेंगे, इतने एटम्स में यूरेनियम कितना प्रोड्यूस करेगा 200 × 1.6 हमारा ऑलरेडी था जो वन एटम था मल्टीप्लाई बाय 1 × 2 / 10^6 × 6.23 × 10^23। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 8.21 और 10^16 जूल, और जैसे हम ऑलरेडी हम पता है कि 1 तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे 10^ जूल को मेगा जूल में, तो 10^6 हो जाएगा ठीक है, तो 10^6 को हम लिख देंगे मेगा ठीक है, तो हमारा 8.21 × 10^10 मेगा जूल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, लाइक करना ना भूलें, अगर आपको कुछ समझ नहीं होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।